ए रेडियो कश्मीर जम्मू ऐ संजा खबरें च तुंदा स्वागत। पैहले मुक्ख समाचारें कन्नै मैं योगेश शर्मा। घाटी दे बारामूला जिले च इक टाकरे दौरान सुरक्षाबलें त्रै आतंकवादियें गी मारी मकाया ऐ। राजौरी जिले च बरखें ते बर्फबारी च पंजियें मकानें गी नुकसान पुज्जा ऐ। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सड़कै पर गड्डियें दी आओजाई ब्हाल करोआने लेई बर्फ हटाने सरबंधी बड्डा अभियान चलाया जा करदा ऐ। समूचा राष्ट्र सुभाष चंद्र बोस होरें गी उन्दी 122वीं जयंती दे मौके उप्पर श्रद्धांजलि देआ'रदा ऐ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें लाल किले च नेता जी सुभाष चंद्र बोस अजायब घर दा उद्घाटन कीता। केन्द्री मंत्रीमंडलै GST एपीलेट ट्रिब्यूनल दा राष्ट्रीय बैंच कायम करने गी मंजूरी दे दित्ती ऐ। हुन खबरें दी तफसील कन्नै विजय बजाज। घाटी दे बारामूला जिले च सुरक्षाबलें ते आतंकवादियें बश्कार टाकरे च त्रै आतंकवादी मारे गे न। बारामूला दे SSP इम्तियाज हुसैन होरें जानकारी दित्ती ऐ जे इलाके च आतंकवादियें दी मौजूदगी बारे थ्होई दी इक टकोह्दी सूह पर कार्रवाई करदे होई सुरक्षाबलें बारामूला जिले दे बिन्नर इलाके दी घेराबंदी करियै उत्थें तपाशी अभियान चलाया। तपाशी आली कार्रवाई दौरान उत्थें छप्पे दे आतंकवादियें सुरक्षाबलें उप्पर गोलियां चलाना शुरू करी दित्तियां। एह् कार्रवाई अजें जारी ऐ, उआं इस बारे होर ब्यौरें गी अजें बलगेआ जा'रदा ऐ। राजौरी जिले च भारी बरखें ते बर्फबारी कारण पंजी मकानें गी आंशिक तौरा पर नुकसान पुज्जा ऐ, जिले के मवेशियें लेई बनाए गेदे 11 शैड तबाह होए न ते 15 मवेशी मारे भी गे न। राजौरी दे डिप्टी कमिशनर मोहम्मद एजाज असद होरें आखेआ ऐ जे इंतजामिया हालात बारे पूरी चाल्ली जानकार ऐ। उनें प्रभावितें गी हर चाल्ली दी मुमकिन मदद दा यकीन भी दोआया। 25 जो हॉर्सेस स्ट्रक्चर थे उनको नुकसान पहुंचा है, कोई पार्शली है, थोड़े से सिवियरली भी, और उसके बाद 11 कैटल शेड जो है वो डैमेज हुआ। इसके अलावा 15 एनिमल्स जो है उनको भी नुकसान पहुंचा है, और एनिमल्स की या तो इंजरी है या डेथ। कई जगह पर एनिमल्स जो थे इसमें नीचे जद में आ गए, जब कैटल शेड गिरा तो उसकी जद में आ गए और लॉट ऑफ एनिमल्स हैव बीन किल्ड। तो इसलिए हमने तमाम जो हमारे रेवेन्यू एजेंसीज है उनको, फील्ड एजेंसीज को कहा हुआ है, इसकी फाइलें जल्दी ही आ जाएंगी और विद इन फ्यू डेज हम ये कम्पनसेशन जो इसका मुआवजा डिस्कस करेंगे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सड़क उप्पर अज्ज उपरोतले त्रीए रोज भी गड्डियें दी आओजाई बंद रही। जरनैली सड़कै परा ल्हास पस्सियां पौने कारण जमा होए दे मलबे गी हटाने ते जवाहर सुरंग आह्ले इलाके च पेदी बर्फ गी हटाने दा कम्म जोरें शोरें कन्नै जारी ऐ। केईं थाहरें एह् कम्म तकरीबन पूरा होई चुके दा ऐ। इस बारे ताजा जानकारी कन्नै साढ़े संवाददाता। मौसम में आई बेहतरी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बानहल से रामबन तक गिर आए पस्सियों को हटाने और बीकन विभाग ने बानहल से काजीगुंड तक सड़क पर 2 से 4 फुट जमा बर्फ के अलावा कल काजीगुंड की तरफ से गिर आए बर्फानी तूदे को भी आज हटा लिया और बानहल काजीगुंड के बीच सड़क को बहाल किया। ताहम रामबन और बानहल के बीच 13 घंटों से बहाली के काम में एजेंसियों को आज भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि डिगडोल, बैटरी चश्मा, अनोखी फाल और दीगर कई जगहों पर पिसिया और पत्थर गिरने की वजह से इन्हें काम करने में मुश्किल पेश आ रही है। इधर ट्रैफिक के इंस्पेक्टर जनरल आलोक कुमार ने आज शाम आकाशवाणी को बताया कि कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में सड़क पर फंसी वाहनों को ही श्रीनगर जाने की अनुमति दी जाएगी। रेडियो कश्मीर जम्मू के लिए काजीगुंड से मैं खुर्शीद परू। पुंछ दे जिला विकास कमिश्नर राहुल यादव होरें अज्ज पुंछ च जिला अधिकारियें ते होरनें महत्वपूर्ण मैह्कमें दे प्रमुखें दी इक मीटिंग लाइयै बरखें ते बर्फबारी परैंत जिले दे प्हाड़ी इलाकें च बनी दी जरूरी सेवाएं सरबंधी स्थिति दा जायजा लैता। इस मौके सरबंधत ऐह्लकारें जिला विकास कमिश्नर होरें गी अपने अधिकार क्षेत्र हेठ औने आह्ले प्हाड़ी इलाकें च जरूरी चीजें बस्तें दी सप्लाई सरबंधी स्थिति बारे जानकारी दित्ती। डिप्टी कमिश्नर होरें गी बर्फबारी ते बरखें कारण होए दे नुकसान दे कन्नोकन्नी बंद होई दियें सिड़कें बारे बी जानकारी दित्ती गई। जिला विकास कमिश्नर होरें जिले च जरूरी सेवाएं दी 24 घंटे दस्तयाबी यकीनी बनाने दे निर्देश जारी कीते ते ऐह्लकारें गी आखेआ जे ओह् अपने सरबंधत इलाकें च हालात दा जायजा लैंदे रौह्न। साढ़े रामबन आह्ले संवाददाता ने जानकारी दित्ती ऐ जे मौसम साफ होने दे कन्नै गै जरूरी चीजें बस्तें आह्लियें सेवाएं गी ब्हाल करने दा कम्म पूरे जोरें शोरें कन्नै जारी ऐ। बटोत डिवीजन दे बिजली विकास मैह्कमे दे M&RE डिवीजन दे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुंदे मुजब रामबन जिले च बिजली सप्लाई प्रभावित होई ही। एह् सप्लाई 132 KV चनैनी सरनगर ट्रांसमिशन लाइन उप्पर दरख्त डिग्गने करी 21 जनवरी रातीं थमां गै प्रभावित होई गेदी ही। अरबरे आला लेखा औंदी 5 जनवरी शुक्रवारें लोकें च वोट पाने दी जिम्मेदारी आली भावना गी होर विकसित करने ते नमें योग्य मतदाताएं गी मतदाता सूचियें च शामल करने दे उद्देश्य कन्नै इस बरे आला राष्ट्री मतदाता दिवस मनाया जा'रदा ऐ। इस बारे होर जानकारी लेई साढ़े संवाददाता योगेश शर्मा ने गल्ल कीती रियासता दे मुक्ख चुनां अधिकारी शैलेन्द्र कुमार हुंदे कन्नै। मैं सारे नौजवानों से भी और फर्स्ट टाइम वोटर से भी अपील करता हूं कि अपना नाम इलेक्टोरल रोल में डलवाएं। नेशनल वोटर डे के दिन हम लोग 1950 वोटर्स हेल्पलाइन भी शुरू कर रहे हैं, उसका भी फायदा उठाएं। 1950 पर फोन करके आप सब लोग अपने
इलेक्टोरल रोल के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने इलेक्टोरल रोल में किस हिस्से में आपका नाम है, किस पोलिंग स्टेशन में नाम है, ये सब जानकारी ले सकते हैं। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। उस साल के नंबर को हम लोगों ने वोटर्स कॉल सेंटर का नंबर रखा हुआ है। ये सारे जिले में एस्टैब्लिश कर दी गई है, जो कि 25 जनवरी से लॉन्च कर दी जाएगी। एक खबर तुस रेडियो कश्मीर जम्मू पर सुना रहे हो। मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा। लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना। ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का। हाँ माँ जी। जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का। स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर। उन खबरें बाकी से करने योगेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुंदी 122वीं जयंती दे मौके पर अज्ज नमीं दिल्ली दे इतिहासिक लाल किले च सुभाष चंद्र बोस अजायब घर दा उद्घाटन कीता। प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग अजायब घर दा भी उद्घाटन कीता, जिदे च जलियांवाला बाग आले नरसंहार दा लेखा जोखा है। एदे अलावा उन्हें 1857 च होए दे भारत दे पहले स्वतंत्रता संग्राम बारे बनाए गए अजायब घर ते भारतीय कला बारे बनाए गए दृश्य कला अजायब घर दा उद्घाटन भी कीता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ते इंडियन नेशनल आर्मी बनाए गए अजायब घर च सुभाष चंद्र बोस ते इंडियन नेशनल आर्मी के इतिहास कन्नै जुड़ी दियां चीजां रखियां गेदियां ने। कई सारे ट्वीट संदेशों च प्रधानमंत्री होरें आखिया जे भारत दी सग्गोसार इतिहास ते संस्कृति कन्नै सरबंधत चौं अजायब घरें दा उद्घाटन करिए उन्हें गी बड़ी खुशी होरदी है। उन्हें आखिया जे अजायब घरें आले इस पूरे परिसर की क्रांति मंदिर के नां कन्नै जानिया जाग, जिहड़ा भारत के महान स्वतंत्रता सैनानियों के क्रांतिकारी जज्बे ते दलेरी की एक श्रद्धांजलि होग। जे एंड के फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन आसिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुंदी 122वीं जयंती दे मौके उपर जेएमसी पार्क टाउन हाल जम्मू च एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम दा आयोजन कीता गया। इस मौके उपर जम्मू नगर निगम दे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और मुख परौहने ते जिसलै जेएमसी दियां डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और मानजोग परौहनियां हियां। नैशनल पैंथर्स पार्टी आसिया भी नेताजी हुंदी जयंती दे मौके उपर नमीं दिल्ली च इक कार्यक्रम दा आयोजन कीता गया, जेदे च नेताजी हुंदी देश दी आजादी गी हासल करने आली भूमिका दे महत्व उपर लोह पाई गई। राष्ट्रीय ताल ते निगरान कमेटी दे चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी होरें जम्मू खित्ते च बच्चें दे अधिकारें दी हिफाजत लई काम करने आले सिविल समाज दे संगठनें ते सदस्यें कन्नै इक मीटिंग लाई। खित्ते च बच्चें दे अधिकारें दी हिफाजत सरबंधी गतिविधियां दे बाद्दे विस्तार लई एह मीटिंग लोआई गई। अपने सदारती भाषण च हसनैन मसूदी होरें किशोर न्याय गी जमीनी सतह पर हकीकत बनाने लई बक्ख बक्ख सैक्टरें बश्कार संपर्क बधाने दी जरूरतै पर जोर पाया। केंद्री मंत्रीमंडल ने माल समेयान ते सेवा टैक्स सरबंधी मामलें च अपीलें दा नबेड़ा कड्डने आली ट्रिब्यूनल GST-AT दा राष्ट्री बैंच कायम कीते जाने लई मंजूरी दे दित्ती है। इलैक्ट्रानिक्स ते सूचना टैक्नोलॉजी ते मंत्री रविशंकर प्रसाद होरें अज्ज नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे होई दस्सिया जे एह बैंच दिल्ली च होग। केंद्री मंत्रीमंडल ने दिल्ली मैट्रो दे रेल मार्ग गी दिलशाद गार्डन थमां गाजियाबाद नमें बस अड्डे तोड़ी बधाने लई भी मंजूरी दे दित्ती है। केंद्री मंत्रीमंडल ने भारत ते कुवैत बश्कार घरेलू नौकरियां दी भर्ती च साथ सहयोग बारे भी इक सहमति पत्र उपर दस्तखत कीते जाने लई भी मंजूरी दे दित्ती है। ICDS प्रोजेक्ट घगवाल आसिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले विषय बारे सरकारी हायर सैकेंडरी स्कूल घगवाल च नाटिका प्रतियोगिता दा आयोजन कीता गया, जिदे च सांबा दे जिला समाज कल्याण अधिकारी अब्दुल रहीम होर मुख परौहने हे। घगवाल ब्लाक दे 10 सरकारी स्कूलें च मुकाबले च हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम हफ्ते पर आले उस अभियान दा एक हिस्सा है जिदा आयोजन जिला इंतजामिया सांबा आसिया न्याणी कुड़ियें संबंधी राष्ट्रीय ध्याड़े दे सिलसिले च कीता जा करदा। इस मौके पर साढ़े जिला संवाददाता ने जिला समाज कल्याण अधिकारी अब्दुल रहीम हुंदे कन्नै गल्लबात कीती। बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए हमने उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया, प्लस कुछ अनामात रखे हैं उनके लिए, जैसे स्कूल बैग हो गया, स्कूल की बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई। साथ ही साथ में हमारे ये ब्लॉक लेवल पे फंक्शंस चल रहे हैं। आज रामगढ़ में भी फंक्शन है, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशन वाइड, तो उसी की कड़ी में एक प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट सांबा में भी चला है। आज इसका तीसरा दिन है, 26 तक हम इसको कम्प्लीट करेंगे। कल हमारी प्लांटेशन ड्राइव है जो डिफरेंट स्कूल्स में चलाई जाएगी, इसमें डिफरेंट गर्ल्स स्टूडेंट्स को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं।
रियासत दे बागवानी सैक्टर गी बढ़ावा देने गितै गवर्नर हुंदे सलाहकार के विजय कुमार होरें इस सैक्टर दे पूरे पराते विकास उपर जोर पाया। सलाहकार होर नरवाल फ्रूट मंडी परिसर च बागवानी मैह्कमे ते एह्दे नाल संबंधत होरनें सैक्टरें दे ऐह्लकारें कन्नै इक मीटिंग दौरान बोला करदे इस मौके सलाहकार होरें गी दस्सेआ गेआ जे बागवानी उद्योग च ओकड़ी समर्थ है जेह्दे राहें ना छड़ा किसान समुदाय सगुआं समूलची रियासत दी किस्मत बदली जाई सकदी है। घाटी दे बारामूला जिले च इक टाकरे दौरान सुरक्षाबलें त्रै आतंकवादियें गी मारी मुकाया ऐ। रजौरी जिले च बरखें ते बर्फबारी च पंजी मकानें गी नुकसान पुज्जा ऐ। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सड़कै पर गड्डियें दी आओजाई ब्हाल करोआने लेई बर्फ हटाने सरबंधी बड्डा अभियान चलाया जा'रदा ऐ ते समूलचा राष्ट्र सुभाष चंद्र बोस होरें गी उंदी 122वीं जयंती दे मौके पर अज्ज श्रद्धांजलि देआ'रदा ऐ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें लाल किले च नेता जी सुभाष चंद्र बोस अजायब घर दा उद्घाटन कीता। एह्दे कन्नै गै खबरें दा एह् बुलेटिन समाप्त होआ।